दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त बखैरियत और ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और माह रमज़ान के सारे रोज़ एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत सारी नेकियां कमा रहे होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं इमरान बलोच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मौसम की बात करें तो काफ़ी सारा धूप निकली हुई है और मौसम बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है और रोज़ की तरह ठंड भी फील नहीं हो रही। और बाकी जो है फसलें माशाल्लाह अपने मियार से अभी वापस आ रही हैं और बारिशों का सीज़न टूट चुका हुआ है और हवा भी आज कदरे कम है। और अगर बात की जाए तो पिछले माह रमज़ान की, तो अब का माह रमज़ान और पिछले माह रमज़ान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसमें, क्योंकि पिछला माह रमज़ान का जो रोज़े होते थे वो कुछ फील होते थे कि हाँ, बंदे को पता लगता था कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है। और अगर इस माह रमज़ान की बात की जाए तो यकीन करें पता ही नहीं चलता बंदा रोज़ा रखता है और शाम को जो है इफ्तार भी हो जाता। और दोस्तों, आज की अगर बात की जाए तो मेरा बिल्कुल दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन चूँकि आप सबको पता है कि मेरा अपने दोस्त के साथ चैलेंज चल रहा है, अगर मैंने वीडियो ना बनाई तो उसके बदले में मुझे अपने हमारे करीबी एक नया एक बेहतरीन लग्जरी होटल खुला है जिसका नेम मैं आपको मेंशन कर दूंगा, बल्कि उसकी पिक आप सेंड कर दूंगी, तो मुझे वहाँ पे जो है दावत खिलानी पड़ेगी। तो उसकी वजह से मैं मजबूरन जो है वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमने चैलेंज जीतना है और इंशाल्लाह चैलेंज जीत के उसकी जो है ट्रीट हमने आपको दिखानी है कि हमने कैसे चैलेंज जीता है और जो है उसकी ट्रीट हम कैसे खा रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। और जब कोई चैलेंज की बात आती है तो फिर मूड चेंज हो जाता है और भाग के वीडियो और बना के ब्लॉग बना के अपलोड कर ही देता हूं दोस्तों। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास उसी टाइम। तो हम आ रहे हैं अभी खाने, मैं कहता हूँ बच्चों अभी थोड़ा सब्र करो, अभी देर है तुम्हारी ट्रीट खाने को, कि अभी इतनी जल्दी निहार नहीं मानने वाले भाई। डेली व्लॉग बनाएंगे, डेली बनाएंगे, रोज़ बनाएंगे। आज फ्रेंड्स, मेरा एक दोस्त है हाफिज़ साहब हैं, वो अभी माशाल्लाह तरावियाँ भी पढ़ा रहे हैं मस्जिद में, तो आज वो मेरे पास आए थे। उनका भी जो फेसबुक अकाउंट है वो मोनेटाइज सेटअप करना था, वो भी हमने उनका किया, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपको सेटअप तो कर देता हूँ लेकिन आप हमें एक नात सुनाएंगे। तो उन्होंने दो लाइनें हमें नात की सुनाई थी, जो मैं आपको वो भी लगा देता हूँ, आप भी वो भी सुनाएं इंशाल्लाह। और अगर नात अच्छे लगे तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना है, ताकि हाफिज़ साहब को भी अच्छा लगे कि उन्होंने सुनाई है तो दोस्तों को पसंद आई है। कबर विच जा पता लगना है खासां दा ते आमां दा, कबर विच जा पता लगना है खासां दा ते आमां दा, कफन मैला नहीं होना, कफन मैला नहीं होना, सहाबा दे गुलामा दा, कबर विच जा पता लगना खासा दा ते आमा दा। मेरे सोने दयारा दा जिथे भी तजकरा होवे, नबी दिया राह ते इनामा दा, कबर विच जा पता लगना खासा दा ते आमा दा, कबर विच जा पता लगना
ਖਾਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮਾਂ ਦਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਹੈਦਰ ਬਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਮਹਾਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਖਾਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮਾਂ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਖਤਤਾਮ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਅਸਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਕੋ ਅੱਜ ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਮੈਂ ਬਤਾਊਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋ ਰਹਾ ਥਾ ਤੋ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤੋ ਮੁਝੇ ਯੇ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਅਸਰ ਕੀ ਅਜ਼ਾਨੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਮੈਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਸਰ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੋ ਤਕਰੀਬਨ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸਰ ਕੀ ਅਜ਼ਾਨੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जो नमाज मैं पढ़ आया हूँ कि उसका मुझे गुनाह होगा कि उसका क्या मसला। अगर किसी दोस्त को इस चीज़ का पता हो तो रहनुमाई फरमा दें। बहरहाल मैं तो नियत करके गया था कि भाई अजान होगी मैं नमाज़ पढ़ लूँ, तो वो मेरी गलती यानी पता नहीं चला। मुझे लग तो ऐसा रहा था कि अजान हो गई तो जाके ना नमाज में पढ़ाऊँ, तो मैं नमाज तो पढ़ आया लेकिन आधे घंटे बाद ना फिर अजान। पेज को फॉलो नहीं किया तो इसको फॉलो कर लें, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। और आखिरी बात जो आज की है तो वो मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके खुद को खुश रखें।